हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसगढ़ में। हम सब लोग घटना चक्र का भूगोल कर रहे हैं। भूगोल का आज जो होगा भूगर्भिक इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम सब लोग ग्रह के बारे में पढ़ चुके हैं पूरा डिटेल से, और आज होगा भूगर्भिक इतिहास। चलिए भूगर्भिक इतिहास के बारे में चर्चा करते हैं। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के विषय में सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक बफन के द्वारा किया गया था। वर्तमान समय में पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। सर्वप्रथम पृथ्वी के इतिहास को बड़े भागों में विभाजित किया गया। इस बड़े भाग को क्या बोलते हैं? इयान कहते हैं। मतलब पृथ्वी को सर्वप्रथम बड़े भागों में विभाजित किया गया, उसको क्या बोलते हैं? इयान बोलते हैं। प्रत्येक इयान को पुनः क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया तथा इस प्रकार के भाग को महाकल्प कहते हैं। मतलब कि इयान को जो क्रमिक रूप में व्यवस्थित किया गया, इसको क्या बोलते हैं? महाकल्प बोलते हैं। प्रत्येक महाकल्प को कल्प में तथा कल्प को पुनः छोटे छोटे युग में विभाजित किया गया। अब देखिए प्री कैम्बियन महाकल्प, प्री कैम्बियन महाकल्प में क्या होता है? इस महाकल्प में पृथ्वी वायवीय अवस्था से तरला अवस्था में आई तथा पुनः ठोस भूपटल का निर्माण हुआ। देखिए प्री कैम्बियन में क्या हुआ? पृथ्वी जो है वायवीय अवस्था से तरल अवस्था में आया, तरल अवस्था से फिर ठोस अवस्था में आया, ठीक है। वनस्पति क्षेत्र में इस समय तक के केवल सागरीय घास का ही उद्भव हो सका था। मतलब प्री कैम्बियन काल में केवल क्या हुआ था? केवल सागरीय घास का मतलब उत्पन्न हुआ था। इस काल में एक कोष के जीवाणु एवं कई जोड़े वाले जीवों का उद्भव हुआ था। बताइए प्री कैम्बियन काल में कौन एक कोष के जीवाणु और कई जोड़े वाले जीव हुआ था? कौन काल में? प्री कैम्बियन ईरा में। पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास के प्रत्येक कल्प का नामकरण एवं उनकी विशेषता इस प्रकार। देखिए क्रेम्बियन कल्प में देखिए, क्रेम्बियन पीरियड में पृथ्वी के ऊपर छिछले सागरों का विस्तार था। छिछले सागरों का विस्तार किस पीरियड में था? क्रेम्बियन में। हाँ, तथा स्थल भाग पर सागरों का प्रसार तथा उतार होता रहा। सागर का प्रसार तथा उतार होता रहा। सागरों में बिना रीढ़ वाले जीवों का उद्भव हुआ। क्रेम्बियन पीरियड में क्या हुआ? बिना रीढ़ वाला, जिसमें रीढ़ नहीं था उसका, उस जीव का उद्भव हुआ। अब देखिए ऑर्डोविशियन कल्प, ऑर्डोविशियन पीरियड, इस समय पर्वत निर्माण प्रारंभ हो गया। बताइए पर्वत निर्माण प्रारंभ किस पीरियड में? ऑर्डोविशियन पीरियड में क्या हुआ? पर्वत का निर्माण हुआ। सागरीय भागों में ज्वालामुखी क्रियाएं सक्रिय थी। वनस्पति जीव केवल सागर तक ही सीमित थे। अब देखिए कौन है? सिलूरियन कल्प, सिलूरियन पीरियड, इस कल्प में स्थल पर वनस्पति का जन्म हुआ, परंतु इनमें पत्तियां नहीं थी। वनस्पतियों के प्रकारों में भी विकास हुआ तथा प्रवाल का सर्वप्रथम बड़े पैमाने पर विस्तार हुआ। अब देखिए डिवोनियन कल्प जो है, इस कल्प में पर्वत निर्माण क्रिया था, ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक सक्रिय रहा। मतलब पर्वत निर्माण क्रिया और ज्वालामुखी क्रिया किसमें अत्यधिक सक्रिय रहा? डिवोनियन पीरियड में। कई प्रकार की मछलियों की उत्पत्ति के कारण इस कल्प को क्या बोलते हैं? मत्स्य युग किसको बोलते हैं? किस युग को? डिवोनियर कल्प, डिवोनियर पीरियड को क्या बोलते हैं? मत्स्य युग बोलते हैं। इस युग का अंत तक एम्फीबियस का अभिभार हुआ है। एम्फीबियस का इस युग में जो है एम्फीबियस थोड़ा दिखने लगा था। अब देखिए कार्बोनिफेरस पीरियड, पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ। ये प्लेटें विभिन्न प्रारूपों में विवर्तनिक क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती है। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती है। कार्बोनिफेरस कल्प में समस्त स्थल भाग एक स्थल भाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थल पिंड का नामकरण पेंजिया किया गया। बताइए कार्बोनिफेरस कल्प का नामकरण क्या किया गया? पेंजिया के नामकरण से किया गया, ठीक ना। इस पर छोटे छोटे आंतरिक सागरों का विस्तार हुआ। पेंजिया पर क्या हुआ? आंतरिक सागर का विस्तार होने लगा। पेंजिया के चारों ओर एक विशाल जल भाग था जिसका नाम वैगनर ने पेंथालस किया। मतलब पेंजिया के जो चारों बगल छोटे छोटे क्या थे? चारों बगल विशाल जल भाग था जिसका नामकरण वैगनर ने क्या रखा? पेंथालासा किया। आगे जब पेंजिया का विभाजन हुआ तब पेंजिया का उत्तरी भाग क्या कहलाया? लॉरेशिया में कौन कौन आता है? उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया। लॉरेशिया में कौन आता है? यूरोप और एशिया। हाँ लॉरेशिया, ये पूछता है लॉरेशिया में कौन कौन आता है? उत्तर अमेरिका, यूरोप और एशिया, तथा दक्षिण भाग गोंडवाना कहलाया। गोंडवाना में कौन कौन आता है? दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर और प्रायद्वीप। हाँ प्रायद्वीप है भारत। तो गोंडवाना में कौन कौन आता है? अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया था, अंटार्कटिका ये भी आता है। ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका भी गोंडवाना लैंड में आता है।
ठीक है। अब देखिए परमियन कल्प, परमियन पीरियड, इस पीरियड में व्यापक भौगोलिक हलचल के कारण यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वत का निर्माण हुआ। देखिए परमियन काल में क्या हुआ, यूरोप, एशिया तथा पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका में ऊंचे पर्वत का क्या हुआ, निर्माण हुआ। स्थलीय जीवों की संख्या तथा प्रजातियों का पर्याप्त वृद्धि हुई, स्थलीय जीवों की संख्या में भी वृद्धि हुआ। अब देखिए ट्रियासिक कल्प, कौन होता है ट्रियासिक कल्प, ट्रियासिक पीरियड में इस युग में सागर में मांसाहारी मत्स्य तुल्य रेप्टाइल का जन्म हुआ। रेप्टाइल का जन्म किस में हुआ, ट्रियासिक कल्प में, ठीक है। स्थल पर सर्वप्रथम रेंगने वाले जीवों से स्तनधारी जीवों का जन्म हुआ। और जुरैसिक कल्प, इस कल्प में स्थल भाग पर रेप्टाइल के आकार तथा प्रकार में पर्याप्त विस्तार हुआ, कुछ उड़ने वाले पक्षियों का भी उद्भव हुआ। इस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था, किस कल्प में डायनासोर का प्रभुत्व था, जुरैसिक पीरियड में, जुरैसिक पीरियड में डायनासोर जुरैसिक पीरियड का है। भारत में इसके अवशेष गुजरात से के रायोली और मध्य प्रदेश के बारा शिमला पहाड़ियों पर नर्मदा नदी घाटी में पाए जाने की पुष्टि हुई है। किसका, डायनासोर का, गुजरात के रायोली में और मध्य प्रदेश के बारा शिमला पहाड़ी पर। अब देखिए क्रिटिशियस कल्प, क्रिटिशियस कल्प में खड़िया मिट्टी का जमाव इस कल्प के सबसे प्रमुख विशेषता है। खड़िया मिट्टी का जमाव, खड़िया मिट्टी का जमाव मतलब क्रिटेशियस कल्प का प्रमुख विशेषता बताइए। खड़िया मिट्टी का जमाव सबसे प्रमुख विशेषता है, खड़िया मिट्टी का जो जमाव है इसका प्रमुख विशेषता हुआ, किसका, क्रिटिशियस कल्प का। क्या सोच रहे हैं आप, कुछ सोच रहे हैं, क्रिटिशियस कल्प का खड़िया मिट्टी का जमाव हुआ। इस कल्प में निर्माण क्रिया अत्यधिक सक्रिय रही थी, रॉकी एंडीज यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत श्रृंखला का तथा पनामा कटक की उत्पत्ति हुई। बताइए रॉकी एंडीज यूरोप का, रॉकी एंडीज और यूरोप महाद्वीप की कई पर्वत हैं जो है ना, किस युग में हुआ, और पनामा कटक की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प में, पनामा कटक की उत्पत्ति क्रिटेशियस कल्प में। अब देखिए तृतीय कल्प, तृतीय कल्प को कई युगों में विभक्त किया गया जिनका विवरण जो देखिए, जैसे कि तृतीय कल्प में कौन कौन आता है, पैलियोसिन युग, इओसिन युग, ओलिगोसिन युग, मायोसिन युग, ये सब आता है तृतीय कल्प में। तृतीय कल्प जैसे कि पोलियोसिन युग, उसके बाद आता है इओसिन युग, इस युग में हिंद, इओसिन युग में हिंद महासागर तथा अटलांटिक महासागर का विकास हुआ तथा हिमालय की रचना प्रारंभ हुई। बताइए हिंद महासागर और प्रशांत महासागर, हिंद महासागर अटलांटिक महासागर का विकास किस युग में हुआ, इओसिन युग में, इओसिन युग में किसका किसका विकास हुआ बताइए, और हिमालय का रचना प्रारंभ हुआ, हिमालय का रचना प्रारंभ किस युग में हुआ, इओसिन युग में। और दूसरा है, तीसरा है ओलिगोसिन युग, इस युग में स्थल भाग में प्रसार तथा विस्तार एवं जल भाग में संकुचन तथा ह्रास हुआ। अमेरिका तथा यूरोप में भूपटल में महान भू हलचल होने लगी तथा आल्पस पर्वत का निर्माण प्रारंभ हो गया। बताइए आल्पस पर्वत का निर्माण प्रारंभ किस युग में हुआ, ओलिगोसिन युग में आल्पस पर्वत का प्रारंभ हो गया। अब देखिए मायोसिन युग, मायोसिन युग में इस युग में भू हलचल के कारण आल्पस पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया। निर्माण प्रारंभ हुआ किस युग में, ओलिगोसिन युग में, और मायोसिन युग में आल्पस पर्वत का निर्माण मतलब संपूर्ण हो गया, ठीक है। तथा हिमालय की द्वितीय श्रेणी का उत्थान हुआ, मायोसिन युग में हिमालय की द्वितीय श्रेणी का युग, और हिमालय की रचना किस प्रारंभ में हो गई, हिमालय की प्रारंभ किस में हो गई थी, इओसिन में, इओसिन युग में हिमालय की प्रारंभ की रचना हो चुकी थी। तथा महान हिमालय की ऊंचाइयों में पुनः वृद्धि हो गई मायोसिन युग में। अब देखिए प्लायोसिन युग, इस काल की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस समय पर्वत महासागर तथा महाद्वीपों का रूप प्राप्त हुआ। स्थल भाग के खिसकने से तथा उसमें जल के संग्रह के कारण उत्तरी सागर, कृष्णा या काला सागर, अरब सागर तथा कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। बताइए कृष्णा सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर का निर्माण किस युग में हुआ, प्लायोसिन युग, प्लायोसिन युग में क्या क्या हुआ बताइए, कृष्णा सागर, काला सागर और कैस्पियन सागर का निर्माण हुआ। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण भी इसी काल में हुआ, किस काल में, प्लायोसिन काल में। शिवालिक श्रेणी का पूछेगा, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ, प्लायोसिन काल। अब देखिए चतुर्थ कल्प, वो था तृतीय कल्प, ये था चतुर्थ कल्प है। चतुर्थ कल्प को दो युगों प्लिस्टोसिन एवं हेलोसिन में विभक्त किया गया। इस युग का विवरण इस प्रकार, जैसे कि प्लिस्टोसिन युग, इस युग की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, भूपटल पर हिम चादर की स्थिति। बताइए प्लिस्टोसिन युग का सबसे प्रमुख विशेषता, मतलब पृथ्वी पर जो ना हिम जमने लगा, बर्फ जमने लगा पृथ्वी पर, किस युग में, प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन में क्या हुआ, हाँ
जिसका विस्तार उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग था, हिमालय के ऊपर हो गया था हिम चादर का विस्तार, जैसे कि अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, अंटार्कटिका के अधिकांश भाग था हिमालय के ऊपर हो गया था। इस युग में उत्तर अमेरिका में हिम चादर का फैलाव विभिन्न समयों में हुआ था। अब देखिए होलिसीन युग कहाँ बताइए तो चतुर्थ में यह दूसरा है होलिसीन युग। इस युग के प्रारंभ में हिम चादर का उतार सक्रिय था, मतलब हिम चादर क्या हुआ, मतलब कि जमा जो था ना वो गल के थोड़ा सा उतार पौनी में बदलने लगा। हिम चादर के पीछे हटने से यूरोप में पुनः वनों का विस्तार प्रारंभ हो गया, सागरीय जीव वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो गए थे। 1300 से 1870 ईस्वी के काल को प्राय लघु हिमकाल माना गया। लघु हिमकाल कब माना गया? 1300 से 1870 को हिमकाल माना गया, लघु हिमकाल माना गया। इस अवधि के दौरान यूरोप और उत्तरी अमेरिका 20वीं सदी की अपेक्षा अधिक ठंडे थे। यूरोप और अमेरिका क्या थे? अधिक ठंडे थे। तो देखिए हम सब लोग इसका हो गया, अब क्वेश्चन आंसर करते हैं। बताइए महान हिमयुग का संबंध किससे है? प्लीस्टोसीन का। महान हिमयुग का संबंध प्लीस्टोसीन युग का था, नहीं था प्लीस्टोसीन युग में महान हिमनद का विस्तार हुआ। बताइए निम्न कालों में से किसे प्राय लघु हिमकाल माना गया? 1300 से 1870 ईस्वी काल को प्राय लघु हिमकाल माना गया है, ठीक ना? हाँ इसका एग्जैक्ट याद रखिए, 1300 से 1870, ठीक है। बताइए डायनासोर का काल आज से कितने वर्ष पहले थे? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। डायनासोर का काल क्या था? 18 करोड़ वर्ष पूर्व। बताइए महाद्वीप अलग कैसे हुए? विवर्तनी की क्रिया से, सही आंसर है। निम्नलिखित महाद्वीपों में कौन सा गोंडवानालैंड का भाग नहीं था? देखिए ऑप्शन दे रहे, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इसमें बताइए। उत्तरी अमेरिका, लेकिन पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिण भाग को गोंडवाना कहा जाता है। पेंजिया के उत्तरी भाग को लॉरेशिया और दक्षिणी भाग को गोंडवाना। लॉरेंसिया में उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड, यूरोप और एशिया शामिल है, जबकि गोंडवाना में कौन है? दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, अरब प्रायद्वीप, भारत उपमहाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका शामिल है। बताइए भारत प्राचीन सुपर महाद्वीप गोंडवानालैंड का भाग था, इसमें वर्तमान समय का निम्न भू भाग शामिल था, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये सभी तो सभी होगा। अच्छा बताइए पृथ्वी पर मूलतः एक ही विशाल भूखंड थे जिसे क्या कहते थे? पेंजिया को, पेंजिया का उसको नाम दिया गया पेंजिया। पृथ्वी पर जीवन के प्रादुर्भाव का प्रथम जीवाश्म साक्ष्य कब मिला? 3.5 मिलियन वर्ष पूर्व मिला था। अच्छा बताइए वलय क्रिया किसका परिणाम है? बताइए ये तिरपरमा और पचपरमा विस्पेशी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। पर्वत निर्माणकारी बल जो है इसी को वलय क्रिया कहते हैं, ठीक है। अच्छा बताइए राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल निम्नलिखित में से किसका विस्तार है? राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार है बताइए? बताइए ऑप्शन दे रहे हैं प्लियोसिन का, पेलियोसिन का, उसके बाद प्लिस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का और ओलिगोसिन का। प्लिस्टोसिन एवं अभिनव जमाव का, तो इसका हो गया क्वेश्चन। अब हम चलो इसका मतलब अब चट्टान पढ़ते हैं, ठीक है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी सेलों से बनी है, सेल का निर्माण एक या एक से अधिक खनिजों से मिलकर होता है। सेल कठोर या नरम तथा विभिन्न रंगों की हो सकती है। चट्टान अध्ययन को क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी सेलों का विज्ञान है, ठीक है। निर्माण की प्रक्रिया के आधार पर चट्टानों को कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में, आग्नेय चट्टान और आग्नेय चट्टान, अस्पादी चट्टान और रूपांतरी चट्टान, जैसे कि इग्नियोशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो देखिए इसको तीन भागों में बांटा गया। अब देखिए आग्नेय चट्टान क्या होता है? आग्नेय सेल का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा एवं बाह्य भाग में लावा से होता है। आग्नेय चट्टान का निर्माण पृथ्वी के आंतरिक भाग में किसे होता है? पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा और पृथ्वी के बाह्य भाग में लावा से होता है। किसका? आग्नेय का। ये रवेदार होती है, इसमें परतें नहीं पाई जाती है तथा पूरा जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का संबंध प्राय ज्वालामुखी क्रिया से होता है, इनमें पानी का प्रवेश बहुत कम होता है। आग्नेय सेल क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों प्रकार की होती है। आग्नेय सेलों को प्राथमिक सेल भी कहा जाता है।
आग्नेय सेल का प्रमुख उदाहरण बताइए। ग्रेनाइट, गेब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल, ज्वालामुखी हो गया, टाप हो गया, ब्रेसिया हो गया, ये किसका है उदाहरण? हाँ समुद्री अति है, वो समुद्र में रहता है वो टफ। ज्वार नहीं, समुद्र में जो आग्नेय चट्टान हुआ ना उसी को टफ बोलते हैं, समुद्री पहाड़ी को टफ बोलते हैं। अब देखिए अवसादी सेलों का निर्माण, ठीक ना, पृथ्वी की सतह की सेल है, अनच्छादन कारणों के प्रति अनावृत्ति होती है जो विभिन्न आकार के विखंडों में विभाजित होती है। ऐसे उपखंड का विभिन्न बहिर्जनित कारणों का द्वारा संवहन एवं निक्षेप होता है। सघनता के द्वारा संचित पदार्थ सेलों में परिणत हो जाते हैं, यह क्रिया शीलीभवन कहलाती है। बहुत सी अवसादी सेलों में निक्षेपित परतें शीलीभवन के बाद भी अपनी विशेषताएँ बनाए रखती है। इसी कारण बालूकाश्म जैसी अवसादी सेलों में विविध सांद्रता वाली अनेक सतहें होती है। मतलब निर्माण की क्रिया के आधार पर अवसादी को तीन प्रमुख समूह में बांटा गया, ठीक ना, यांत्रिक रूप, कार्बनिक रूप और कौन रूपांतरित रासायनिक रूप। हाँ यांत्रिक, कार्बनिक और रासायनिक। यांत्रिक से निर्मित अवसादी सेल का उदाहरण कौन है? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, सेल, लोयस, कॉन्ग्लोमेरेट, सिल्क, मृतिका, ये क्या हुआ? रूपांतरित, अच्छा यांत्रिक रूप है। और देखिए कार्बनिक रूप से बताइए इसका उदाहरण, कार्बनिक का उदाहरण, गीज राइट, खड़िया, चूना पत्थर, कोयला, ये कौन है? कार्बनिक। और रासायनिक रूप क्या है? चूना पत्थर हो गया, रासायनिक रूप हो गया, श्रिंग हो गया, चूना पत्थर हो गया, हेलाइट हो गया, पोटास। अब देखिए रूपांतरित चट्टान, रूपांतरित चट्टान अन्य, हाँ चूना पत्थर को ही अगर रूपांतरित को बोला जाए तो संगमरमर, वही तो रूपांतरित होता है। हाँ रूपांतरित चट्टान है, देखिए यह अन्य चट्टानों के रूप परिवर्तन के फलस्वरूप निर्मित होती है। मूल रूप से रूपांतरित चट्टान मेटामॉर्फस से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है रूप परिवर्तन। परतदार अथवा तलचट्टी तथा आग्नेय सेलों में रूप परिवर्तन के फलस्वरूप रूपांतरित सेलों का निर्माण होता है। कभी कभी रूपांतरित सेल का भी रूपांतरण हो जाता है। इस क्रिया को पुनः रूपांतर अथवा अति रूपांतरित भी कहा जाता है। बताइए आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बनी सेलों का उदाहरण, ग्रेनाइट का, ग्रेनाइट कौन चट्टान है? आग्नेय चट्टान। हाँ ग्रेनाइट का रूपांतरित नीस, और बेसाल्ट का रूपांतरित सिल्ट, और बेसाल्ट का रूपांतरित एम्फीबोलाइट भी होता है, एम्फीबोलाइट। अब देखिए अवसादी चट्टान का रूपांतरित, जैसे अवसादी चट्टान हो गया सेल, सेल का स्लेट, चूना पत्थर का संगमरमर, चाक एवं डोलोमाइट का संगमरमर, बालूका पत्थर का क्वार्टराइज, कॉन्ग्लोमेरेट का क्वार्टराइज, ये सब कौन हो? अवसादी चट्टान, ठीक ना। अब देखिए रूपांतरित चट्टान को पुनः रूपांतरण से बनी सेलों का उदाहरण है। रूपांतरित चट्टान बताइए, स्लेट क्या हुआ? फाइलाइट। अब फाइलाइट का सिस्ट, गेब्रो का सरपेंटाइन, गेब्रो ये रूपांतरित चट्टान है, अब फिर इसका रूपांतरण हो जाता है, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आंसर करता है, ठीक है। बताइए अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अवसादी सेलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रहे हैं, ये वो सेलें हैं जिनकी संरचना तथा दाब पर निर्भर करती है, ये सेलें क्रिस्टलीय है, ये सेलें स्तरों में निक्षेपित हैं, ये सेलें जल में नहीं निर्मित हो सकती है। बताइए कौन सा है? ये सेल जो है ना स्तरों में निक्षेपित होता है, अवसादी चट्टान, और ये सेल जो होता है ऑक्सीजीय होता है, हाँ। बताइए बलुआ पत्थर एक परतदार चट्टान है, क्योंकि वह पानी के नीचे बनती है, पानी के नीचे बनती है। आग्नेय चट्टान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये 40वां बीपीएससी में पूछा हुआ 1995 में ये क्वेश्चन है। बताइए आग्नेय चट्टान निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन दे रहे हैं, उनमें पूरा जीवाश्म बहुत कम होता है, वे जल के लिए सरंध्र होता है, वे क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय दोनों ही होते हैं। आग्नेय चट्टान दोनों होते हैं, क्रिस्टल और अक्रिस्टलीय दोनों होते हैं, लेकिन अवसादी सिर्फ अक्रिस्टलीय होते हैं। हाँ बताइए अधोलिखित कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन दे रहे हैं, कॉन्ग्लोमेरेट, ग्रेनाइट, सेल और बलुआ पत्थर। ग्रेनाइट में क्या होता है? जीवाश्म नहीं पाया जाता, ये कौन चट्टान है? ग्रेनाइट एक आग्नेय चट्टान, इसलिए आग्नेय चट्टान में जीवाश्म नहीं मिलता। बताइए रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति डैश चट्टानों से होती है, आग्नेय तथा तलचट्टी दोनों से। हाँ निम्न में से कौन सा रूपांतरित चट्टानों का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं संगमरमर, क्वार्टराइट, स्लेट, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो है ना रूपांतरित चट्टान नहीं है, ग्रेनाइट कौन चट्टान है बताइए? आग्नेय सेल है। निम्नलिखित में से कौन समूह से संबंधित नहीं है? ऑप्शन दे रहे हैं नीस, बालूका पत्थर, चूना पत्थर, सेल। नीस जो है ना ये समूह से संबंधित नहीं है, नीस किसका है?
नीस जो है ये रूपांतरित चट्टान है, समझे ना, रूपांतरित है जो ग्रेनाइट आग्नेय का है, आग्नेय ग्रेनाइट से नीस होता है, इस समूह में जो है ना, इस समूह में सबसे अलग कौन है, इस समूह में सबसे अलग कौन है, हाँ नीस क्या है, रूपांतरित है और ग्रेनाइट का रूपांतरित नहीं है। अब हम सब लोग ज्वालामुखी पढ़ते हैं, ठीक है। ज्वालामुखी वह स्थान है जहाँ से निकलकर गैस, राख और तरल चट्टान पदार्थ लावा पृथ्वी के धरातल तक पहुँचता है। ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में जलवाष्प की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है, ज्वालामुखी सबसे ज्यादा क्या निकलता है, जलवाष्प निकलता है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, सल्फर डाइऑक्साइड की प्रमुख गैस है। बताइए ज्वालामुखी सबसे ज्यादा कौन निकलता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैसों में हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम, ठीक है। ज्वालामुखी से उत्सर्जित होने वाली अन्य गैस का नाम बताइए, H2S, हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड, हीलियम। अगर सबसे पूछेगा कि ज्वालामुखी से किससे निकल क्या निकलता है, जलवाष्प, उसके बाद कार्बन, उसके बाद नाइट्रोजन, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड, इसको याद रखिए। ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जब मैग्मा धरातल पर निस्तृत होता है तो उसे लावा कहते हैं। यह बहुत ही गर्म होता है। ताज़ा निष्कासित लावा का तापमान 600 से 1200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। अगर ताज़ा लावा होगा तो कितना होगा, धरातल पर लावा ठंडा होने के बाद आग्नेय चट्टान का रूप धारण कर लेता है। धरातल पर अगर लावा ठंडा होता है कौन चट्टान का रूप देता है, आग्नेय चट्टान का रूप देता है। अच्छा बताइए सिलिका के आधार पर लावा दो प्रकार का होता है, एसिड लावा एवं बेसिक लावा। एसिड लावा, सिलिका के आधार पर लावा कितने प्रकार का, कौन कौन, एसिड लावा और बेसिक लावा। बेसिक लावा, एसिड लावा अत्यंत गाढ़ा एवं कैसा होता है, चिपचिपा होता है, हाँ, और इसमें सिलिका की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है सिलिका की मात्रा, सिलिका सिलिका की मात्रा इसमें 80 होती है। बेसिक लावा हल्का पतला होता है तथा इसमें सिलिका की मात्रा कम होती है। बेसिक लावा में सिलिका की मात्रा कम और एसिडिक लावा में सिलिका की मात्रा ज्यादा। जब लावा धरातल तक पहुंचने से पहले ही उसके नीचे जम जाता है तो आंतरिक आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। आंतरिक आग्नेय चट्टान कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है, प्लूटोनिक या पताली चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान, पताली चट्टान और मध्यवर्ती चट्टान, ठीक ना। बताइए क्रेटर जो है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समानता मिलने वाले की पाकार गर्द नुमा आकृति है, हाँ बताइए क्रेटर जो है ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समानता मिलने वाले कीपाकार गर्त नुमा आकृति है, कौन, क्रेटर, क्रेटर जो है कीपाकार गर्त नुमा आकृति है, कहाँ मिलती है, ज्वालामुखी शंकु के ऊपर। इसमें जल भराव के कारण क्रेटर झील का निर्माण होता है, हाँ महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में कौन है, लोनार झील है, क्रेटर के निर्माण क्रेटर से हुआ है। कालडेरा क्रेटर ही का ही अत्यधिक विस्तार रूप है, कालडेरा जो है ना क्रेटर का ही अत्यधिक विस्तार रूप है। उपोष्ण या गीजर गर्म जल के ऐसे स्रोत हैं जिनसे समय समय पर गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है, जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका स्थित येलो नेशनल पार्क में ओल्ड फैथफुल गीजर। ओल्ड फैथफुल गीजर कहाँ है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है, हाँ नेशनल पार्क है वहीं पे। इसमें जो है समय समय गर्म जल की फुहारें निकलती रहती है और धुआरे ज्वालामुखी क्रिया के अंतिम अवस्था के प्रतीक है। ज्वालामुखी के अंतिम अवस्था का प्रतीक कौन है, धुआरे है, ठीक ना। अच्छा ये बताइए इनमें गैस और जलवाष्प निकला करते हैं। गंधक युक्त धुआंधार को सोल्फ तारा कहा जाता है। गंधक युक्त धुआरों को क्या बोलते हैं, सोल्फ तारा कहा जाता है। अलास्का के कटमई पर्वत को हजारों धुआरों की घाटी कहा जाता है। हजारों द्वारों की घाटी कहाँ है, अलास्का के कटमई पर्वत को, अलास्का के किस पर्वत को हजारों द्वारों घाटी कहते हैं, कटमई पर्वत को। उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी जो है बहुत प्रकार, जैसे कि ये देखिए सक्रिय ज्वालामुखी, इसके प्रकार के ज्वालामुखी में, इस प्रकार के ज्वालामुखी में प्राय विस्फोट तथा उद्भेदन होता ही रहता है। इसका मुख सदैव खुला रहता है। समय समय पर लावा धुआं तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं। जैसे वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है,
किलायु है जो अमेरिका के हवाई द्वीप में स्थित है। वर्तमान में सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायु है, जो कहाँ है? अमेरिका के हवाईयन द्वीप पर है, ठीक ना। यह जो है 1983 से 2018 की अवधि में लगातार उद्भेदित अवस्था में रहा है। लावा उद्भेदन मात्रा की दृष्टि से चार शीर्ष ज्वालामुखी है, जैसे कि किलायु हो गया, माउंट एटना हो गया, माउंट एटना इटली में, पीटन डी ला हो गया, फोरेनस हो गया, नया मूरागिरी हो गया। कौन है ये जो है? हाँ, यूरोपियन ज्वालामुखी है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? हवाई द्वीप में स्थित है मोनालोवा। मोनालोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप पर है, और सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ? हवाई द्वीप पर है। कौन? किलायु। किलायु यूरोपियन मात्रा की दृष्टि से यहाँ देखिए सक्रिय, वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलायु, जो कि कहाँ? हवाई द्वीप पर। और हवाईयन द्वीप पर मोनालोवा, जो कि बहुत ज्यादा ही पूछता है सक्रिय ज्वालामुखी मोनालोवा। माउंट एटना ज्वालामुखी इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित यूरोप का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी कहाँ है? भूमध्य सागर के अंतर्गत टाइरेनियन सागर सिसिली के उत्तर में स्ट्रॉबेरी द्वीप पर अवस्थित है। एक जागृत ज्वालामुखी है, इसमें सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने के फलस्वरूप आसपास के क्षेत्र प्रकाशमान होता है। इस कारण इसे भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोलते हैं? स्ट्रॉबेरी ज्वालामुखी। ओजोस डेल सलाडो, ओजोस डेल सलाडो चिली एवं अर्जेंटीना की सीमा पर स्थित है। चीनी एवं अर्जेंटीना की सीमा पर कौन है? ओजोस डेल सलाडो, जो कि सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक ना। यह विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। कौन? ओजोस डेल सलाडो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरेबस अंटार्कटिका के रास द्वीप पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। माउंट एरेबस कहाँ है? रास द्वीप पर। कौन है? माउंट एरेबस कहाँ है? अंटार्कटिका के रास द्वीप पर माउंट एरेबस। बताइए कौन है? माउंट एरेबस। भारत में अंडमान एवं निकोबार के बेरन द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी है। जापान का फ्यूजीमा सक्रिय ज्वालामुखी है। वर्तमान में इटली का विसुवियस सक्रिय ज्वालामुखी है। पहले यह प्रशुष्ट ज्वालामुखी की श्रेणी में था। विसुवियस पहले प्रशुष्ट ज्वालामुखी था, अब वो सक्रिय हो गया। अब देखिए प्रशुष्ट ज्वालामुखी, पशु ज्वालामुखी। इस प्रकार के ज्वालामुखी में दीर्घ काल से उद्भेद मतलब विस्फोट नहीं हुआ है। प्रशुष्ट ज्वालामुखी में क्या होता है? बहुत दिनों से इसमें क्या हुआ? विस्फोट नहीं हुआ, किंतु इसकी संभावनाएं बनी रहती है। जैसे कि देखिए विसुवियस का संभावना बना था, यह अब सक्रिय ज्वालामुखी हो गया। माउंट, जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस जो है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका का एस्कोनिया काउंटी में माउंट एडम्स से 34 मील पश्चिम स्थित है। बताइए माउंट सेंट हेलेंस कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। और माउंट सेंट हेलेन का को फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका के नाम से जाना जाता है। माउंट सेंट हेलेन को क्या बोलते हैं? फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका को। अब देखिए मृत ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी में विस्फोट प्राय बंद हो जाता है और भविष्य में कोई विस्फोट होने की संभावना नहीं होती है। जैसे कि अफ्रीका के पूर्वी भाग में स्थित कुलाल और किलिमंजारो, इक्वाडोर का चिम्बर राजो, म्यांमार का पोपा। म्यांमार का पोपा कैसा है? मृत ज्वालामुखी। और ईरान का दाम वांद एवं पाकिस्तान का कोह सुल्तान। बताइए पाकिस्तान में मृत ज्वालामुखी का नाम बताइए? कोह सुल्तान। और किलिमंजारो तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इसका पूर्व नाम क्या था? केसर विलहेम स्पीड था। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी एवं उनकी अवस्थिति देख रहे थे, ठीक ना। माउंट किन नाम मालो किस देश में बताइए? मलेशिया में है। ज्वालामुखी कैसा है? सावन काया। माउंट किन मालो मलेशिया देश में है। ये अलग ज्वालामुखी है। माउंट किनमारो कहाँ? मलेशिया देश में है। और अलबुर्ज ईरान में है। कोलिमा मैक्सिको में है। माउंट रेनियर संयुक्त राज्य अमेरिका। माउंट रेनियर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। माउंट ताल फिलीपींस में। विसुवियस इटली में। और कोटोपेक्सी पोपो कैटीपिटल मैक्सिको। माउंट कैमरून में। माउंट सस्ता माउंट पिनाटुबो फिलीपींस में। मायोन फिलीपींस में। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया, बहुत पूछता है। और सावन काया कहाँ है? पेरू में। माउंट एटना कहाँ है? इटली में। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। अच्छा बताइए पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में। माउंट एरीबस कहाँ है? और किलायु कहाँ है, जो कि विश्व का सबसे मतलब कि सक्रिय ज्वालामुखी बड़ा। बताइए मोनालोवा कहाँ है? हवाई द्वीप पर। क्राकाटाओ कहाँ है?
मोनालवा कहाँ है? अट्राकोटाओ इंडोनेशिया, चिम्बर राजो इक्वाडोर, और दम वंत ईरान, और को सुल्तान पाकिस्तान। को सुल्तान कैसा है? सुसुप ज्वालामुखी ना, तो सॉरी मिर्च ज्वालामुखी, को सुल्तान मिर्च ज्वालामुखी। और विल्लारिका चिली में। अब देखिए इसका हो गया, आप क्वेश्चन आंसर करते हैं। निम्न में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ऑप्शन दे रहे हैं, ज्वालामुखी, शंकु, अवशिष्ट पर्वत, मोनाड नॉक और अपरदनात्मक जलप्रपात। ज्वालामुखी, ज्वालामुखी शंकु क्या मूल स्थल रूप है? बताइए ज्वालामुखी से सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है? जलवाष्प निकलती है। निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? ऑप्शन दे रहे हैं, माउंट पिनाटुबो, माउंट किलिमंजारो, माउंट ताल, माउंट कोटोपेक्सी। इसमें जो है कोटोपेक्सी सबसे ऊंचा जलप्रपात, अर्थात ज्वालामुखी। पृथ्वी के अंदर पिघले पदार्थ को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मैग्मा कहते हैं। अंदर जो पिघला पदार्थ उसको मैग्मा कहते हैं। बताइए लावा के ठोस के फलस्वरूप पृथ्वी के अंदर निर्मित चट्टानों को क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें बोलते हैं। हाँ, को प्लूटोनिक चट्टान कहते हैं। बताइए ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है कहाँ? बाल्टिक सागर, काला सागर, कैरेबियन सागर, कैस्पियन सागर। बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी उद्गार नहीं होता है। बताइए माउंट एटना है कहाँ है? बताइए क्या है? बताइए जो कि इटली में। ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेंस कहाँ स्थित है? बताइए माउंट सेंट हेलेंस संयुक्त राज्य अमेरिका में। आई एस 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन। मोनालावा एक सक्रिय ज्वालामुखी है कहाँ? हवाई द्वीप। ये भी यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन। बताइए मोनालावा का उदाहरण, मोनालावा कैसा उदाहरण? सुसुप्त है कि कैसा? बताइए एक सक्रिय ज्वालामुखी है। ये 39वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। ये बताइए अफ्रीका का सर्वोच्च शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है कहाँ? तंजानिया में। किलिमंजारो है, क्या है किलिमंजारो? वोल्केनो है, ज्वालामुखी है। हाँ, निम्नलिखित ज्वालामुखी में किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? स्टाम्बोली को भूमध्य सागर का क्या बोलते हैं? प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, स्टाम्बोली है, क्या है बताइए? जागृत ज्वालामुखी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी बताइए? किलायु कहाँ है? हवाईयन द्वीप पर, अमेरिका में। अच्छा ये बताइए, बताइए माउंट किनाबालू कहाँ है? मलेशिया में। अलबुर्ज कहाँ है? और अकांगागुआ, किलिमंजारो, तंजानिया में। बताइए सब ज्वालामुखी और देश को मिलन करने के लिए दिया। बताइए ज्वालामुखी के नाम बोल रहे हैं सबन काया कहाँ है? माउंट एटना कहाँ है? इटली में। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में। और माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में। माउंट मेरापी इंडोनेशिया। बताइए प्रसिद्ध ज्वालामुखी पर्वत काराकाटोवा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? काराकाटोवा कहाँ है? इंडोनेशिया में। बताइए ज्वालामुखी पर्वत और देश का नाम दिया मिलन करने के लिए। माउंट रेनल ज्वालामुखी पर्वत कहाँ है? माउंट रेनल कहाँ है? माउंट एटना कहाँ है? इटली में। माउंट पेरिकुटनी कहाँ है? मैक्सिको में। और माउंट एपो कहाँ है? माउंट एटना कहाँ? इटली में। माउंट रेनल, यूएसए में। माउंट रेनल यूएसए में। और माउंट एपो फिलीपींस में। अब हम सब लोग भूकंप पढ़ते हैं, ठीक है। भूकंप का घटना प्राय धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होती। भूकंप का घटना प्राय धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु प्रत्येक भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होती है। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है, उस स्थान को भूकंप का उत्पत्ति केंद्र अथवा क्या बोलते हैं? भूकंप मूल या फोकस कहते हैं। वही सिस्मिक फोकस कहते हैं इसे। अब केंद्र भी कहते हैं, हाइपो सेंटर भी कहते हैं इसको। भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है अधिकेंद्र कहलाता है। अधिकेंद्र पर ही सबसे पहले तरंगों को महसूस किया जाता है। अधिकेंद्र पर, हाँ, अधिकेंद्र सबसे पहले तरंग कहाँ महसूस करता है? अधिकेंद्र पर, ठीक ना। अभी भूकंप अधिकेंद्र सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। भूकंप अधिकेंद्र सदैव कहाँ होता है? भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर स्थित होता है। जब भूकंप मूल से भूकंप प्रारंभ होता है तो इस केंद्र से भूकंप लहरें उठने लगती है तथा सर्वप्रथम यह भूकंप अधिकेंद्र पर पहुंचती है। भूकंप सर्वप्रथम कहाँ पहुंचती है? अधिकेंद्र पर पहुंचती है। सभी प्राकृतिक भूकंप स्थल मंडल में ही आते हैं। देश दशाओं के आधार पर भूकंप तरंगों को तीन भागों में व्यक्त किया गया। प्राथमिक तरंग पी वेव, वही बोलता है प्राइमरी वेव या पी वेव। प्राइमरी वेव हो गया, द्वितीयक वेव हो गया, सेकेंडरी वेव हो गया, टर्स। अब देखिए
बताइए, प्राथमिक ध्वनि प्राथमिक तरंग है ध्वनि तरंग के समान होती है। प्राथमिक तरंग कैसी होती है? ध्वनि तरंग के समान होती है। इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं? प्राथमिक तरंग जो होती है ध्वनि तरंग के समान होती है। हाँ, इन्हें अनुदैर्ध्य तरंग भी कहते हैं। हाँ, इसका प्रकृति लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। यह तरंग सबसे अधिक तीव्र होती है। इनकी तीव्रता इनके मार्ग में पड़ने वाले चट्टानों को सघनता पर निर्भर करती है। प्राथमिक तरंगें पृथ्वी के प्रत्येक भाग में यात्रा करती है। चूंकि इसकी गति सबसे अधिक होती है, अतः यह सबसे पहले धरातल पर पहुंचती है। ये गैस, तरल और ठोस तीनों प्रकार पदार्थों से गुजरती है। ठीक है, भूकंप छाया क्षेत्र इसको भी देख लेते हैं। भूकंप लेखित यंत्र पर दूरस्थ स्थानों से आने वाली भूकंप तरंगें अभिलेखित मतलब रिकॉर्डेड होती है। हालांकि कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां कोई भी भूकंप अभी रिकॉर्डेड नहीं होते हैं, ऐसे क्षेत्र को भूकंप छाया क्षेत्र कहते हैं। विभिन्न भूकंप घटनाओं के अध्ययन से ज्ञात होता है कि यह एक भूकंप का छाया क्षेत्र दूसरे भूकंप के छाया क्षेत्र से सर्वथा भिन्न होती है। पी और एस तरंगों का छाया क्षेत्र प्रदर्शित किया गया है। अच्छा, यह देखा जाता है कि भूकंप लेख्य भूकंप अधिक केंद्र से 105 डिग्री के भीतर किसी भी दूरी पर पी और एस दोनों ही तरंग का अभिलेख करते हैं। ठीक है, अच्छा ये देखिए देखिए प्राथमिक तरंग जो है ये कहाँ कहाँ गुजरती है? हाँ, किस किस से? यह ठोस, तरल, ठोस, तरल और तीनों में गुजरता है। ठीक है, हाँ प्राथमिक तरंग तीनों में गुजरता है, ठोस, तरल और गैस में। अब देखिए द्वितीयक तरंग या गौण तरंग या एस वेव ठीक ना, ये तरंगें जल तरंग या प्रकाश तरंगों के समान होती है। बताइए तरंगें कैसी होती है? प्रकाश तरंग के तरंग और प्राथमिक तरंग कैसा था? ध्वनि तरंग के तरंग। इन्हें आरी अथवा अनुप्रस्थ तरंग लहरें भी कहते हैं और प्राथमिक तरंग को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। इन्हें आरी तरंग इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें अणुओं की गति तरंग के समकोण पर होती है। ये तरंग प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है। इनकी गति प्राथमिक तरंग की अपेक्षा कम होती है। ये तरंग है तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर पाती है। हाँ, ये तरल से नहीं गुजरती है। यही कारण है कि द्वितीयक तरंग है सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती है। द्वितीयक तरंग है सागरीय भाग पहुंचने पर ये लुप्त हो जाती है। तो इसका मतलब है कि ये तरंग जो तरल में नहीं गुजरता है। कौन? एस वेव। अब होता है धरातलीय तरंग, ठीक ना, एस पी और एल वेव इसको बोलते हैं। ठीक ना, देखिए सरफेस वेव धरातलीय तरंग। धरातलीय तरंग अन्य दो तरंगों की अपेक्षा कम वेगमान होता है और इसका भ्रमण पर पृथ्वी पर धरातलीय भाग पर ही होती है। लड़ें पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती है, अतः इसे पी तथा एस लहरों की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। धरातलीय तरंगों की लंबी तरंगें कहा जाता है क्योंकि इनका भ्रमण समय अधिक होता है ये सर्वाधिक दूरी तय करती है। इसी कारण से धरातलीय तरंगें अधिकेंद्र पर सबसे बाद में पहुँचती है। अभिकेंद्र में सबसे बाद में कौन पहुँचती है? धरातलीय तरंगें। हाँ, अधिकांश पर सबसे बाद में कौन पहुँचती है? यह धीरे होता है और ज्यादा समय लगता है। यह ज्यादा नौशकारी भी होता है। इसी से धरातलीय तरंगें सबसे अधिक विनाशकारी समझी जाती है। धरातलीय तरंगें दो रूप में होता है, एक होता है लव तरंग, एक होता है रेलिंग तरंग। ठीक ना, पहला होता है लव तरंग, दूसरा होता है रेलिंग तरंग। इन दोनों में लव तरंग की गति सर्वाधिक होती है। लव तरंग और रेलिंग तरंग लव की गति सर्वाधिक होती है। भूकंप की तीव्रता विमुखता इन ऊर्जा एनर्जी रिलीज की सूचक होती है। भूकंप की तीव्रता क्या होता है? भूकंप की तीव्रता एनर्जी रिलीज की सूचक होती है। भूकंप के परिणाम का मापन रिएक्टन स्केल एवं तीव्रता का मापन मर्केली स्केल पर किया जाता है। भूकंप का जो तीव्रता किस पर मापा जाता है? तीव्रता मर्केली स्केल पर, और परिणाम रिएक्टर स्केल पर मापा जाता है। रिएक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में कौन किया था? चार्ल्स एफ रिएक्टर। रिएक्टर स्केल का आविष्कार कब हुआ? रिएक्टर तीव्रता लघु गण के पैमाने पर आधारित होता है, ठीक ना, जिसका आधार 1 से 10 के बीच अंकित होता है। ये पूछता है रिएक्टर कितना होता है? रिएक्टर यह जो है 1 से 10 के बीच अंकित होता है। प्रत्येक अंक सिस्मोग्राफ के 10 गुने आयाम की वृद्धि को प्रदर्शित करता है। प्रत्येक अंक जो है सिस्मोग्राफ पर 10 गुने अधिक आयाम को प्रदर्शित करता है, ठीक ना, जबकि प्रत्येक अंक पर ऊर्जा 32 गुना मुक्त होती है। एक अंक तीव्रता का भूकंप तरंग 6 ओंस ऊर्जा निर्मित करती है। सिस्मोग्राफ भूकंप का पता लगाने एवं उसे रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला एक उपकरण है। सिस्मोमीटर सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है।
सिस्मोमीटर क्या होता है? सिस्मोग्राफ का आंतरिक भाग होता है जो एक लोलक या फिर स्प्रिंग पर चढ़ा हुआ भार हो सकता है। हालांकि सामान्यतः इसे सिस्मोग्राफ के समानार्थी के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ उपकरण के विशिष्ट स्थान पर भूकंप की रिकॉर्डिंग है। अतः सिस्मोग्राफ आमतौर पर एक इकाई के रूप में सिस्मोमीटर और इसकी रिकॉर्डिंग डिवाइस को संदर्भित है करता है। अब देखिए सुनामी पढ़ते हैं, ठीक है। सुनामी शब्द जापानी भाषा से संबंधित है। टी एस यू का अर्थ होता है बंदरगाह तथा नामी का अर्थ होता है तरंग होता है। सुनामी जो है भूकंप के फलस्वरूप समुद्री क्षेत्र में उठने वाली तरंगें हैं जो ऊंची उठती लहरों के साथ तटीय क्षेत्रों को भारी हानि पहुंचाती है। 11 मार्च 2021 को जापान में आए भीषण भूकंप के फलस्वरूप उत्पन्न विध्वंसकारी सुनामी को फुकुशिमा शहर गहन रूप से क्या हुआ था, प्रभावित हुआ था। फुकुशिमा शहर के कहाँ का है बताइए तो? जापान का। इस तरह से वहाँ स्थित परमाणु विद्युत संयंत्र भी क्षतिग्रस्त हो गए थे जिससे वहाँ नाभिक विकिरण भी उत्पन्न हो गया था। रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर क्षेत्र में भूकंप था। ज्वालामुखी प्राय प्रभावित परिक्षेत्र है। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर में भूकंप के क्षेत्र है। कौन? रिंग ऑफ फायर। इस पेटी में संपूर्ण विश्व के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है। कहाँ? रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर कहाँ है? प्रशांत महासागर। यहाँ भूकंप के चार प्रमुख दशाएँ सुलभ है, जैसे कि सागर तथा एक नंबर में सागर तथा स्थल भागों के मिलन बिंदु, दूसरा है नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र, तीसरा है ज्वालामुखी क्षेत्र और चौथा है विनाशी प्लेट सीमाओं का अपसरण। देखिए इस क्षेत्र में जो है ना यहाँ भूकंप की चार दशाएं होती है। कौन कौन दशाएं? सागर तथा स्थल क्षेत्र का मिलन होता है उस जगह, दूसरा होता है नवीन मोरदार पर्वतीय क्षेत्र है और ज्वालामुखी क्षेत्र है वो, और विनाशी पर्वत सीमाओं का अपसरण, दोनों का यहाँ इधर उधर जो चलता है ना उसका। देखिए इस क्षेत्र में चिली, कैलिफोर्निया, अलास्का, जापान, फिलीपींस, न्यूजीलैंड तथा मध्य महासागरीय भागों में भूकंप के विस्तृत क्षेत्र आते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है। इसका प्रमुख कारण प्लेटों के सीमांत पर इसकी अवस्थिति है। यह क्षेत्र भारतीय प्लेट एवं यूरेशियन प्लेट की अभिसरण है। भारत का भूकंप क्षेत्र मध्य महाद्वीप पेटी के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। भारत का भूकंप क्षेत्र किसमें सम्मिलित किया जाता है? मध्य महाद्वीप पेटी, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के द्वारा। मध्य महाद्वीप पेटी का विस्तार कैप वर्डे द्वीप से प्रारंभ है तथा पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर आलपास के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। मध्य महाद्वीप पेटी कहाँ जाता है? कैप वर्डे द्वीप से प्रारंभ होता है, अब पुर्तगाल से होकर भूमध्य सागर और आलपास के भूकंपों को सम्मिलित करता हुआ एशिया माइनर तक जाता है। कौन जाता है? मध्य महाद्वीप पेटी। आगे हिमालय क्षेत्र से होते हुए म्यांमार के सहारे दक्षिण की ओर जाता है तथा अंत में पूर्वी द्वीप समूह में जाकर प्रशांत महासागर भूकंप क्षेत्र में मिल जाता है। मध्य अटलांटिक पेटी मध्य अटलांटिक कटक में स्पीट बर्जन तथा आइसलैंड से लेकर बोबेट द्वीप तक विस्तृत है। ठीक, इसको भी देख लिया जाए। महत्वपूर्ण वृहद एवं लघु प्लेट को देख लेते हैं, ठीक ना। अब बताइए अंटार्कटिक प्लेट, जिसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर से घेरती हुई महासागर प्लेट भी शामिल है। अंटार्कटिक की प्लेट में क्या है, कौन कौन शामिल है? और उत्तरी अमेरिकी प्लेट में क्या है? उत्तरी अमेरिकी प्लेट में जिसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकन प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसकी सीमा का निर्धारण करता है। और दक्षिण अमेरिकी प्लेट में दक्षिण अटलांटिक तल समेत और उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरेबियन द्वीप इसके पृथक करते हैं दक्षिणी अमेरिकी प्लेट से। प्रशांत महासागरीय प्लेट, पांचवा है इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, छठा है अफ्रीकन प्लेट जिसमें कौन कौन आता है? पूर्वी अटलांटिक तल सीमा आता है। सातवां है यूरेशियाई प्लेट जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित है। अब देखिए कुछ लघु प्लेट है जैसे कि कोकस प्लेट, ये जो ना सात को है बड़ा प्लेट, समझे ना। और ये जैसे कोकस प्लेट हो गया, नजका प्लेट हो गया, अरेबियन प्लेट हो गया, फिलिपिन प्लेट हो गया, कैरेलियन प्लेट हो गया, फ्यूजी प्लेट हो गया, ये छोटा प्लेट है। तो कोकस प्लेट कहाँ है? कोकस प्लेट यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागर पेटी के बीच स्थित है। और नजका प्लेट, इसके बारे में पूछता है नजका प्लेट, बहुत यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर प्लेट के बीच स्थित है। नजका प्लेट कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। अरेबियन प्लेट, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप का भूभाग सम्मिलित है। फिलीपीन प्लेट, यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महाद्वीप प्लेट के बीच स्थित है। फिलीपीन प्लेट कहाँ है?
कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी के उत्तरी में फिलीपियन एवं इंडियन प्लेट के बीच स्थित है, और फ्यूजी प्लेट ऑस्ट्रेलिया के उत्तर। इस तरह से भूकंप और सुनामी पूरा हो गया। अब इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। बताइए भूकंप के समय किन तरंगों का उद्भव होता है? PSL का तीन को प्राइमरी सेकेंडरी और रिंग ऑफ फायर संबंध है। प्रशांत महासागर से, देखिए ऑप्शन दे रहे हैं, भूकंप से, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर के, जंगल की आग से। बताइए हाँ, ये जो है भूकंप से भी है, ज्वालामुखी से, प्रशांत महासागर से। हाँ अच्छा ये बताइए, रिएक्टर पैमाने का उपयोग होता है नापने के लिए भूकंप की तीव्रता? सिस्मोमीटर मापता है, भूकंप मापता है। निम्नलिखित में से किस यंत्र का भूकंप तरंगों के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित भाषाओं में सुनामी शब्द किस भाषा संबंधित है? जापानी से संबंधित। सुनामी कौन से? जापानी से संबंधित है। अच्छा देखिए एक क्वेश्चन है, 47वां बीपीएससी में 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए कितना क्वेश्चन, वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामी सुनामी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? वर्ष 2004 के हिंद महासागर भूकंप तथा उससे परिणामित सुनामी से के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन है, सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के बर्मी प्लेट से अंध गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर तक खिसका होने के कारण इस भूकंप की उत्पत्ति हुई है। डी नंबर में ऑप्शन है, परिणामी सुनामी ने इंडोनेशिया तट से अफ्रीका के पूर्वी तट तक अधिक केंद्र से लगभग 8500 किलोमीटर की दूरी तक तटों पर घोर विध्वंस किया है। सी नंबर में दिया हुआ है, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी के ने समुद्र में डूब गई अनगिनत लाशों के अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लोगों की मौत के घाट उतार दिए। डी नंबर में, बांग्लादेश में बहुत कम लोग हताहत हुए क्योंकि भूकंप प्रभावित भ्रंश रेखा की दिख स्थिति लगभग उत्तर दक्षिण होने के से सुनामी लहरों की प्रबलता शक्ति पूर्व पश्चिम दिशा में थी। ये 47वां बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2005 में, 2004 में घटना हुआ, 2005 में ये पूछा है। और इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वर्तमान अनुमानों के अनुसार भूकंप जनित सुनामी ने समुद्र में डूबी अनगिनत लाशों का अतिरिक्त 50 लाख से अधिक लाशों की मौत के घाट उतार दिए गए। बताइए जापान के किस शहर ने हाल ही में विध्वंसकारी सुनामी एवं नाभिक विकिरण का सामना किया है? था फुकुशिमा। बताइए भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणीय है जिसका कारण है? प्लेट टेक्निको टेक्टोनिक प्रक्रिया। हाँ बताइए पृथ्वी की सतह का वह भाग जिस पर भूकंप तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है क्या कहलाता है? अधिकरण। बताइए कोकस प्लेट किसके मध्य पाई जाती है? कोकस 63वां बीपीएससी देखिए पूछा हुआ, हम पूछे उस समय देखें कोकस पूछेगा, देखिए पूछा 63वां कहाँ है? मध्य अमेरिका तथा प्रशांत प्लेट में, मध्य अमेरिका और प्रशांत प्लेट में। ठीक है तो आज इतना ही रहने देते हैं, तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। कल जो होगा महाद्वीप होगा जो कि काफ़ी अच्छा